हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शारजा रमजान T20 लीग की, जो कि मैच होने वाला है ऐसे अजमन हीरोज वर्सेज कोलट्टा चॉकलेट के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में लेके जा सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार और लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ से मिजोरम T20 कवर की जाएंगी, ऐसे वुमन T20 कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ से शारजा T10 भी शुरू होने वाला है। ये टूर्नामेंट जैसे खत्म होगा यहाँ से शारजा T10 भी शुरू होने वाला है। सारे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। IPL वगैरह की पूरी अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी आपको, टीम वगैरह वहीं पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने लिंक अटैच कर दिया। अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम में जाकर सर्च करेगा फैंटेसी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपल उसे ज्वाइन कर लेना। बात करें इस मैच की, तो यह मैच रात को 9:30 पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, यहां से बैटिंग फ्रेंडली पिच है, शॉर्ट बाउंड्रीज है और उसका पूरा फायदा ऐसे बैट्समैन को मिलने वाला है। बहुत ही बड़े स्कोर यहां से देख सकते हैं, इवन 150 के प्लस तो आराम से स्कोर जा सकता है, लेकिन कभी कभी पिच स्लो होने के कारण यहां से 100 से 115 के आसपास भी टीम निपट सकती है। तो ये जो मुकाबला होने वाला, उम्मीद है तो अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 41 मैचेस इस टूर्नामेंट में खेली गई, जिसमें से 22 बार यहाँ से चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, यहाँ से 19 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है। पहले शुरुआत के मैचेस में हमने देखा कि यहाँ से जो भी मैचेस हुई थी वो सारी यहाँ से बैटिंग पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज था, लेकिन पिछली कुछ मैचेस से देखा गया, पिछली 6 मैचेस यहाँ से चेजिंग करने वाली टीम ने जीती। तो आई थिंक शायद अभी तो जो भी टीम जीतेगी टॉस, ये यहाँ से चेजिंग करना पसंद कर सकती है। बात करते हैं यहाँ से अजमन हीरोज की, 4 मैच खेली जिसमें से 3 के आ रही है, 2 मैच यहां से हार के आ रही है। अदनान खान ने लास्ट मैच के अंदर 43 रन की पारी खेली। मैंने इनके बारे में पहले बताया हुआ है, पहले मैच से मैं इनके बारे में बताता आ रहा हूं कि काफी बढ़िया प्लेयर्स है, एज अ प्लेयर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लायक प्लेयर है, लेकिन रिसेंटली फॉर्म काफी खराब होने के कारण हमने उनको लास्ट मैच के अंदर ड्रॉप किया था। आई थिंक शायद कोई भी लेके नहीं आया था, तो यहां से अदनान खान को इस बार भी आप लेके जाना चाहो तो जा सकते हो, बाकी वैसे प्लेयर्स काफी अच्छा है। अदनान उल मलिक को लेके जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग करवाते यहाँ से रेगुलर बेसिस पर अच्छा स्कोर किया है अभी तक, तो एज ए प्लेयर एक अच्छी पिक बनते हैं, इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी फैजान शेख की बात करें तो एवरेज काफ़ी अच्छी है, लास्ट मैच के अंदर 24 रन का स्कोर भी किया, ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। ज़्यादातर जनता शायद इनको लेके नहीं जाएगी, तो एज अ प्लेयर थोड़े से रिस्की प्लेयर है, लेकिन यहाँ से कुछ डिफरेंस करना चाहो तो इनके ऊपर ट्राई कर सकते हो। अदनान आरिफ के ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ से पहली 2 मैच के अंदर परफॉर्मेंस भी दिया है, यहाँ से 4 ओवर की गेंदबाजी एक बार कर चुके हैं जहाँ पर एक विकेट निकाल चुके हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर गेंदबाजी करते नहीं, लेकिन एवरेज इनके 48 की है, कभी भी बड़े स्कोर करने चाहिए, इनसे जितना अभी तक एक्सेप्ट किया जा रहा है लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक दिया नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़े से डिफरेंशियल पिक ही रहेंगे। वजात रसूल 52 किए थे लास्ट मैच की बात करें तो, साथ में 1 ओवर की गेंदबाजी करते हुए विकेट उनको नहीं मिला था, तो एज अ प्लेयर एक बार फिर से हम लोग हमारी जो टीम है इनके ऊपर इनको लेके जा सकते हो। सैंडलॉन क्रूज पहली 3 मैच के अंदर 2 मैच के अंदर 50 प्लस का स्कोर करते हुए आ रहे हैं, पिछले दोनों मैच के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, तो एज अ प्लेयर थोड़े से डिफरेंशियल पिक बनेंगे। बाकी फैजल बेग इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बैटिंग के साथ साथ ऐसे बॉलिंग भी करवा लेते, पहले मैच के अंदर 45 रन किए थे, साथ में अभी तक 2 बार 2-2 विकेट निकाल चुके, तो एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस है, इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। संचित शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट पिक, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लायक प्लेयर है, इनको जरूर ट्राई कर सकते। बाकी पबरेजा है, थोड़े से डिफरेंशियल पिक रहेंगे आपके लिए, दोनों ही मैच के अंदर विकेट निकालते हुए आ रहे हैं, तो एज अ प्लेयर को अच्छी चॉइस ना मिले तो इनके ऊपर आप जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक शायद ये कंटिन्यू करेगा, अभी आगे भी आपको कंटिन्यू पूरी बॉल करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मैच के अंदर उन्होंने विकेट निकाली हुई, तो आई थिंक शायद कंटिन्यू करने चाहिए। नासिर अहमद ने सारे मैच के अंदर पूरी ओवर्स किए, विकेट सिर्फ उनको खाली पहले मैच के अंदर नहीं मिले, बाकी हर एक मैच के अंदर विकेट निकालते हुए आ रहे हैं, तो नासिर अजीज एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे, इनको हम ड्रॉप करके नहीं जा सकते। चरित निर्मल आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं, 89 मैच के साथ 69 विकेट्स है, इवन 32 की एवरेज है, ये बंदा कभी भी बैटिंग से भी ऊपर प्रमोट हो सकता है। नहीं देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास, ये टीम के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बैटिंग से और यहाँ से बॉलिंग से भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो
कौन से प्लेयर को कब यूज करेंगे थोड़ा बहुत यहाँ से डाउटफुल रह सकता है, फिर भी चरित निर्मल को आप ग्रांड लीग वगैरह में जरूर ट्राई करेगा। स्टार्टिंग में यहाँ से पी पबरेजा और यहाँ से संचय शर्मा दिखेंगे, डेथ वॉच में यहाँ से संचय शर्मा, नव पबरेजा और यहाँ से सी निर्मल डेथ वॉच में गेंदबाजी करेंगे। नव पबरेजा देखो यहाँ से डेथ वॉच में भी गेंदबाजी करते हैं, तो इनको आप डिफरेंशियल पिक पर जरूर लेके जा सकते हो। बैंस से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेटस आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ से आई सेट एक इंपॉर्टेंट पिक है, इनको लेके जा सकते हैं। यहाँ से जय कुमार ने दो मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया, बाकी कोई भी प्लेयर अगर खेलता है तो इनके स्टेटस आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा और आखिरी में हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं ऐसे कोलट्टा चॉकलेट्स की, तो पांच में से तीन मैच जीत के आ रही है, दो मैच यहाँ से हार के आ रही है। जनाका चाटुरंगा और यहाँ से बलविंदर सिंह दोनों ही मैच के अंदर ओपनिंग की है। यहाँ से चाटुरंगा के ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छा है, करीबन यहाँ से 30 की करीबन एवरेज है और बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर गेंदबाजी तो करते नहीं। पहली मैच में उन्होंने दमखम दिखाया है अपना 78 रन करके, तो एज अ प्लेयर देखो बड़ा स्कोर कभी भी कर सकता है, इनके पास क्षमता है बड़ा स्कोर करने की, तो थोड़े से डिफरेंशियल पिक पर आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी बलविंदर सिंह ओके पिक रहेंगे, वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकता है। ये दोनों बंदे आपके लिए ग्रांड लीग के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। देखो बलविंदर सिंह कभी भी बड़ा स्कोर कर सकता है, रंजीत मणि इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर एक मैच के अंदर कंसिस्टेंसी से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो एज ए प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे, इनको छोड़ के नहीं जा सकते। बाकी बात करते हैं ऐसे सपनदीप सिंह वेरी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, 89 रन किए थे एक मैच के अंदर, बड़ा स्कोर किया हुआ है, तो इनको जरूर ट्राई कर सकते हो, कभी भी बड़ा स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। लक्ष्मण शिव कुमार एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस है। यहाँ से अजमल ओके पिक रहेंगे, ग्रांड लीग वगैरह में आप ट्राई कर सकते हो, पहले मैच के अंदर 26 रन किए या एक बार फिर 14 रन किए और ओवर्स कभी कभी ही करवा दें, लास्ट मैच के अंदर सिर्फ एक ओवर्स की गेंदबाजी की, इससे पहले दो मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा दी थी, तो यहाँ से थोड़े से डाउटफुल भी रह सकते। बाकी कृष्ण कुमार यहाँ से रामाकृष्णन जो है ओके पिक रहेंगे, क्योंकि ओवर्स नहीं करवा सकते और इनसे हम आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो तो वो बॉलिंग से रख सकते हो। वैसे बैटिंग एवरेज भी काफ़ी अच्छी है लेकिन बैटिंग से काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहा है, तो फिर ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। श्याम रमेश रिस्की रहेगा, लेकिन याद रहे श्याम रमेश जो है डेथ ओवर्स में एक आधी गेंदबाजी कर सकता है, तो आप डिफरेंस ईयर जाना चाहो तो इनको भी ले सकते हो। बाकी दोनों ही मैच के अंदर अभी तक उनको विकेट नहीं मिली लेकिन 38 रन जरूर किए हैं, तो बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ही से अच्छा एडवांटेज दे सकता है। हरिप्रसाद के ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ से दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में, लेकिन तीनों ही मैच के अंदर इतना कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, तो इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मनप्रीत सिंह वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए इस मैच की बात करो तो सबसे बेस्ट चॉइस यहाँ से मनप्रीत सिंह है, इनको हम लेके जाएंगे। यहाँ से दोनों ही बॉलर्स इंपॉर्टेंट, रिजवान केएस और यहाँ से मोहम्मद जिसान दोनों को ही आप एज अ प्लेयर लेके जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर से यहाँ से मोहम्मद जिसान और यहाँ से मनप्रीत सिंह स्टार्टिंग करेंगे, डेथ ओवर्स में यहाँ से मनप्रीत सिंह मोहम्मद जिसान और मनप्रीत सिंह आएंगे। और यहाँ से देखो श्याम रमेश मैंने पहले बता दिया आपको कि डेथ ओवर्स वगैरह में गेंदबाजी करते, तो यहाँ से लास्ट मैच के अंदर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की थी, तो अगली मैच के अंदर भी करवा सकते हैं। बाकी बैंस से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बंदा अगर खेलता है ना अब्दुल सफर, तो इनको जरूर लेके जा सकते हो। बाकी और कोई भी खेलेगा तो इनके सबको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आइए चलिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहने वाले, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करते तो ऐसे ए खान यानी कि अदनान खान हमारी टीम में रहने वाले हैं। बैटिंग सेक्शन से ऐसे रंजीत मणि, यहाँ से डी क्रूज और यहाँ से ए उल मलिक को मैंने लिया हो। देखो सिलेक्शन काफ़ी कम है लेकिन बंदा काफ़ी जबरदस्त प्ले जबरदस्त खेलता है। बाकी आप इनकी जगह पर यहाँ से सपनदीप सिंह को लेना चाहो तो ले सकते हो, 89 रन की पारी खेली हुई, लेकिन मैं यहाँ से ए उल मुल्क के साथ ही जाऊँगा। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से नासिर अजीज है, श्री कुमार है, यहाँ से संचित शर्मा और यहाँ से मनप्रीत सिंह हमारी टीम में रहने वाले हैं। बाकी श्याम रमेश, यहाँ से डब्ल्यू रसूल और यहाँ से मोहम्मद अजमल आपके लिए डिफरेंशियल पिक यानी ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करना है उनको। बॉलिंग सेक्शन से ऐसे एफ बेग को लिया मैंने, मोहम्मद जिशान और यहाँ से रिजवान केएस को पिक किया हुआ है। बाकी इस बंदे को आप डिफरेंशियल पिक पर जरूर लेके जा सकते हो, ऐसे नबरेजा को। तो टीम अभी के लिए कुछ इस तरह से रह सकते हैं, कैप्टन हमारे श्री कुमार रहेंगे और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर संचित शर्मा को दी हुई है। ऑप्शन बहुत है यहाँ से, ऑप्शन क्या है यहाँ से मनप्रीत सिंह अच्छी पिक है कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की, इनको दे सकते हो। यहाँ से नासिर अजीज और यहाँ से एफ बेग, ये तीन चार प्लेयर हैं इनको आप कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से टीम रहेगी, लेकिन याद रहिए डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच कर दिया है, इनके अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम में जाकर सर्च करेगा फैंटेसी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपल उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा नहीं करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।